पाकिस्तान की शान हूँ और पाकिस्तान की इज्जत अज़मत के लिए कुर्बान हूँ। अच्छा, आपको डर क्यों नहीं लगता? लोग यहाँ वैसे खौफज़दा होते हैं, जब आप लटक रहे होते हैं आपको नहीं लगा हो गया मर गया, अभी मेरी हड्डी पसली कोई टूट जाएगी? गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं लगता। अल्लाह ताला की रहमत है, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए मैं चढ़ता हूँ। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज के साथ मैं हूँ अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 80 साल के नौजवान हैं और ये इनका दावा है कि वो 80 साल के भी हैं, लेकिन वो नौजवानों से भी इस वक्त बढ़ के बड़ी बड़ी वर्जिश करते हैं। ये 40-40 फुट पाइप के ऊपर जाके सर के बल लटक जाते हैं, ये 30-30 फीट से छलांग लगाते हैं पानी के तालाब के अंदर, ये 40-50 फुट ऊपर छत के ऊपर चले जाते हैं और शहरा के साथ के जहां आम तौर पर नौजवान जाने से खौफ महसूस करते हैं, लेकिन ये वहां जाके सर के बल खड़े हो जाते हैं। इतनी सख्त एक्सरसाइज कैसे करते हैं इस उम्र के? इनका चैलेंज भी है पूरी दुनिया के नौजवानों के, उनका 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का कोई भी नौजवान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये चैलेंज भी इन्होंने दे रखा है। आज जाने को ये करते हैं मलिक मुमताज़ से कि मलिक मुमताज़ के पास आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए वो ऐसी वर्जिश कर लेते हैं कि जिससे हर आदमी खौफज़दा रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये 40-40, 50-50 फुट के आपने पाइप लगाए हुए, इनके ऊपर जाते हुए बंदे को डर लगता है और आप ऊपर जाके सर के बल लटक जाते, आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से, नबी पाक के वसीले से, हक चार यार और मंतन पाक गौश पाक की वजह से मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। कई दफ़ा गिरा भी हूँ लेकिन वर्जिश मैंने नहीं छोड़ी और 3 घंटे मैं सुबह दोपहर शाम को वर्जिश करता हूँ और मेरे साथ वो भाग रहे होते हैं। मैं जब चलता हूँ ना कम अज़ कम 10 मील तक जाता हूँ, 10 तक आता हूँ, वो चलने पिछले पैर में भी भागता हूँ। अच्छा, आपको डर क्यों नहीं लगता? लोग यहाँ वैसे खौफज़दा होते हैं, जब आप लटक रहे होते हैं आपको नहीं लगा हो गया मर गया, अभी मेरी हड्डी पसली कोई टूट जाएगी? गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं लगता। अल्लाह ताला की रहमत है, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हुए मैं चढ़ता हूँ, पढ़ भी रहा होता हूँ, फिर अल्लाह ताला के रहम करम से नबी पाक। खांदे की हो मलिक साहब? खांदे की हो? एक रोटी सुबह एक शाम, सेहत का राज किल्लत तवाम में है हदीस पाक। जितना कम खाओगे आपका वजू रहेगा, वजू नहीं टूटेगा, पेट नहीं फूलेगा, उसमें ताकत ज़्यादा है। ज़्यादा देर खाओगे वो आपका पेट फूलेगा, आसाबी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। कब से वर्जिश कर रहे हैं? इतनी खतरनाक वर्जिश कब से कर रहे हैं? मैं कॉलेज में जब पढ़ता था ना, विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज में, देख के आबिद बढ़ था मिस्टर पाकिस्तान, उसको मुल्तान किले कासिम बाग में किले पे मैं देखा करता था। वो खड़ा भी करते थे और वर्जिश भी, वेट भी उठाया करते थे। मैं तो हल्के खैर वेट उठाया करता था। रफीक रजवाना जो गवर्नर साहब का पाकिस्तान है, उस वो भी मेरा क्लास फेल है, वो सिविलियन कॉलेज में पढ़ता था, मैं विलायत हुसैन इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। गवर्नर साहब को भी आपने वर्जिश सिखाई कि आपने भी ऐसे वर्जिश करनी है ऊपर जाके ऐसे लटकने की? वो कर नहीं सकते क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है, वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, मिस्टर कॉलेज उन्होंने बनना था लेकिन आबिद भट्ट ने अपने भट्ट को बनाया था। लड़के आपके पास यहाँ आते हैं आपके इस वर्जिश सेंटर के अंदर, एक्सरसाइज सेंटर के अंदर? हाँ, करते हैं वर्जिश, करते हैं मुकाबला भी करते हैं? आपका मुकाबला तो कभी किया नहीं, वो डरते हैं, ऊपर चढ़ते हुए भी डरते हैं, जंप लगाते हुए डरते हैं, हड्डी पसली ना। आपको देख के उन्हें हौसला नहीं आता कि यार 80 साल का नौजवान? आजकल के नौजवान डरपोक हैं, सिगरेट पीते हैं, गंदे काम करते हैं, वर्जिश करते नहीं, नबी पाक पर दरूद भेजें, नमाज पढ़ें, नशा कोई ना करें। हर बच्चा, लड़कों को आपने चैलेंज भी दिया, आपने कहा कि 20-25 साल का नौजवान जो है वो आपके साथ आपके मुकाबला करे? बिल्कुल, कोई नहीं आया। तो आपको लगता नहीं है 20-25 साल का नौजवान आपको शिकस्त दे सकता है? वो नहीं, मैं तो उनको कमज़ोर समझता हूँ, वो कर ही नहीं सकते। मैं हज़रत अली पाक का मतलब मुरीद हूँ। हज़रत अली पाक वो थे, काबे में पैदा हुए थे। अल्लाह ताला का नाम सिफाती अली भी है, नबी का नाम फिर भी अली नहीं है, सिफाती नाम कोई नहीं है, कासिम है, अल्लाह ताला देने वाला है, नबी पाक बांटने वाले हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं वर्जिश? ये तकरीबन मुझे कॉलेज में जब पढ़ता था ना उस वक्त से मैं वर्जिश कर रहा हूँ, छोड़ी कभी नहीं। तो आपके बच्चे आपको नहीं रोकते कि बाबा आप ना किया करें या कुछ हो जाएगा आपको? कई दफ़ा कहा है भाई
रुक जाओ, रोते हैं रो रो कर उन्हें, लेकिन आप नहीं रुकते। तो मैं नहीं रुकता। मलिक मुमताज की गुफ्तगु सुनी। मलिक मुमताज ने इस वक्त भी चैलेंज कर दिया, उन्होंने 20-25 साल के नौजवानों को चैलेंज कर दिया कि कोई भी ऐसा नौजवान पूरी दुनिया में से आए जो उन्हें शिकस्त दे दे, वो उसे अपना उस्ताद तस्लीम करने का। यकीन है कि दुनिया के अंदर कोई भी नौजवान एक्सरसाइज के अंदर जितनी वो तेज़ एक्सरसाइज करते हैं, जितनी तवील वक्त के लिए करते हैं, इतना कोई भी नौजवान नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए चैलेंज है कि वो आएँ और मुल्तान में मलिक मुमताज को शिकस्त दें, ताकि मलिक मुमताज उन्हें अपना उस्ताद तस्लीम कर सकें। पाकिस्तान की शान हूँ और पाकिस्तान की इज्जत अज़मत के लिए कुर्बान हूँ।